गाइस एक नए व्लॉग के साथ रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम निकलने लगे हैं ऑस्टिन टेक्सास। तो करा लिए, अब निकलने लगे हैं। उबर हमारा आ गया था तो अब हम निकल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और ये हमारी उबर ड्राइवर है। तो रास्ते में इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम अंदर जाने लगे और अमेरिकन अमेरिकन उधर है, उधर है, उधर है, इधर एंड पे है। तो ये हमारा रोनोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ से फ्लाइटें वगैरह होती हैं। ये ऊपर देख सकते हैं, इन्होंने ऊपर ये एक प्लेन बना के ये हमारा रोनोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हमारा चेक इन होगा, यहाँ से होगा, एक बैग चेक इन में जाएगा। एयरपोर्ट पे आए हुए हैं तो यहाँ से मैं चेक इन कराने लगा हूँ और एक जो बैग है वो हम चेक इन कराएंगे। बाकी हमने दो बैग्स कैरी किए हुए हैं तो ये हम अपने पास ही रखेंगे लैपटॉप का। कराने लगे सेल्फ चेकिंग। सो अब प्रिंट हो रहा है, हमने सेल्फ चेकिंग कराई है यहाँ पे। तो अब शायद पाकिस्तान में भी ये सिस्टम बना हुआ हो। तो आप सेल्फ चेकिंग कराओगे तो ये आपका बोर्डिंग कार्ड खुद निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसी और एडवांटेज कार्ड होल्डर्स है यहाँ पे, उनके लिए एक चेकिंग बैग फ्री होती है। तो आप चेकिंग बैग एक फ्री करा सकते हैं। मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं ऊपर लॉन्च की तरफ। आई थिंक हमें यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी विज़िट करा देने हुए हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको एयरप्लेन में काम आएगी। चार्जर वगैरह हो गया और ये स्लीपिंग पिलो हो गया और इस तरह फ्रेश मैगनेट वगैरह जो लोग लेते हैं यहाँ से, हम भी अक्सर लेते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ से मैगजीन वगैरह और इस तरह की टी शर्ट्स वगैरह यहाँ के मिलते हैं। और ये वेटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे और हमने इंटर होना है गेट 6 है। तो हम यहाँ पे वेट बनी हुई है। डिफरेंट चीज़ें यहाँ से आप ख़रीद सकते हो, आप खाने पीने की चीज़ें वगैरह ख़रीद सकते हैं। शॉप्स वगैरह बनी हुई है यहाँ से, आप डिफरेंट चीज़ें, सन ग्लासेस वगैरह और केस वगैरह, आपने जो भी चीज़ ख़रीदनी हो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और यहाँ पे भी खाने पीने की जगहें बनी हुई है, वेटिंग एरिया बना हुआ है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ यस, रौनक के हवाले से आपने कोई चीज़ ख़रीदनी हो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, बना हुआ है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और बस जैसे फ्लाइट होती है तो हम यहाँ से इंटर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप एरोप्लेन की तरफ जाएंगे। थोड़ी देर और है, उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे फ्लाइट को। अभी फ्लाइट शॉलट से यहाँ पर आई है, लैंड हुई है। तो अब पैसेंजर बाहर आने के बाद अब हमने बोर्डिंग कराना है। 4 to 5 मिनट्स लगेंगे। जैसे फ्लाइट आई है उसके पैसेंजर अभी बाहर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो बस जैसे ही ये ख़त्म होते हैं फिर हम बोर्ड करेंगे यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फ्लाइट, बोर्डिंग हमने कर ली है। अब थोड़ी देर में यहाँ से फ्लाइट जाएगी तो हम यहाँ से प्रवास बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना छोटा जहाज है और ये बिल्कुल ही छोटा सा जहाज़ है। तो क्योंकि यहाँ से बड़ी फ्लाइटें होती नहीं है और हमें जो सीट मिली है ना वो बिल्कुल ही एंड पे मिली है। तो ये आप कह सकते हैं कि बैड लक। ये पूरा जहाज़ हमारा है, इतना जो साइज़ है इसका, छोटा सा, बिल्कुल डब्बे की तरह है। आप बैठ जाइए, ये फ्लाइट है, ये बिल्कुल आप इंजन देख रहे हैं, 7 विंग्स हैं और ये रोनोक। Get out of here on time.
All right. First off, good afternoon. On behalf of our entire crew, I'd like to welcome you all on board. Your safety is important to us. क्लेम तो नहीं करना हमने लगेज, हाँ सो हम पहुँच चुके हैं अभी शॉलेट और चुके हैं टाइम दिन के अब तकरीबन 7:30 हमारे यहाँ पे ऑस्टिन के फ्लाइट यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं भी आप देख सकते हैं तो अभी हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं भी 14 वहाँ से हमारी फ्लाइट है ऑस्टिन टेक्सास की तो यहाँ एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश है लोग ये थोड़ा सा बड़ा एयरपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू रौनक इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है क्योंकि ये वन स्टॉप यहाँ पे मैक मोस्टली यहाँ पे चेंज किया है यार मुझे तो अभी ईमेल आई हुई है कि अभी हमें पता चला है कि हमारा जो गेट है जहाँ से हमने ऑस्टिन के लिए जो हमारा टर्मिनल है वो C5 है क्योंकि पहले B14 था जो अब इन्होंने चेंज कर लिया है एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू रौनक के क्योंकि ये बड़ा है उससे काफ़ी और काफ़ी लोग आगे क्या मिलेगा खाने को होगा कुछ वॉशरूम हो आते हैं हलाल फूड हंग चल रहा है फूड हंटिंग कर रहे हैं हम देखते हैं कि कोई हलाल ऑप्शन मिले ना मिले तो फिर वेजिटेबल या वेगन की तरफ हम जाएंगे पहले तो हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हमें अच्छा सा खाना मिल जाए तो अब हम वहीं ढूंढ रहे हैं कोई फूड कॉर्नर अच्छा सा मिले जहाँ पे बैठ के खा सकता है यहाँ पे फूड कॉर्नर तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ अच्छे खाने को मिलता है कि नहीं अच्छा बात सुनो चिपोटी है यहाँ पे क्या अच्छा होता है क्या मतलब बर्गर की इसी लाइन लगी हुई है हम वेट कर रहे कि हमारी बारी आए और हम कुछ ऑर्डर करें यहाँ से वेजिटेबल ही खाना पड़ेगा हमें वेज कोई ऑप्शन लेंगे या फिर वेगन कोई लेंगे अभी हमने जो ऑप्शन चूज़ की है वो है वेजी बोरीटो विथ गुआकामोली चिप्स एंड ड्रिंक फ्राइड बैंक करेंगे ये हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्योंकि खाना खाना है कश्मीर वनस्पति के डोनट यहाँ से कॉफ़ी लेंगे कॉफ़ी ली है और ये डोनट्स लिए हैं उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है बोर्डिंग करने लगे हैं अंदर जा रहे हैं शॉलेट से अब ऑस्टिन की तरफ हमारी फ्लाइट है तो हम उसके लिए अब रवाना हो रहे हैं
Bali, Austin. हो चुकी है ऑस्टिन टेक्सास में होंगे टेक ऑफ करने लगे फिर यहाँ से होटल जाएंगे आज हम नेकोन लॉज जो है होटल वो बुक कराए हुए हैं कल हम रेनेसेंस में जाएंगे जहाँ पे हमारी बुकिंग है फॉर 5 days ये है ऑस्टिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख सकते हैं अंधेरा है और रात हो रही है तो रश इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैगेज अभी आएगा तो अभी जाते हैं बैगेज वाले एरिया में वहाँ से बैगेज वगैरह लेंगे जो चेक इन कराया हुआ है फिर वहाँ से हम होटल की तरफ जाएंगे आज नाइट के लिए जो है वो हमने दूसरा होटल कराया हुआ है कल से जहाँ पे हमारी बुकिंग है वहाँ जाएंगे हम 5 days के अपने क्रेडिट कार्ड सिस्टम होते हैं जहाँ जिसके थ्रू आप टिकट वगैरह ख़रीद सकते हो और दूसरी चीज़ें भी आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो तो हम अमेरिकन एयरलाइंस आए थे हमने इसका एडवांटेज सिटी क्रेडिट कार्ड जो होता है वो कराया हुआ था जिसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं तो पर ईयर इसके $95 के करीब फीस होती है लेकिन उसमें आपको माइलेज वगैरह मिलता है जिसके थ्रू आप ट्रेवल कर सकते हैं फ्री और उसके अलावा आपको प्रायोरिटी जो है चेक इन मिलता है जिसमें आपको सबसे पहले जहाज़ में जाने की इजाज़त मिलती है जैसे कि वो आपको ड्रॉप करते हैं उसके अलावा जो आप कोई चीज़ यहाँ से ख़रीदते हो एयरपोर्ट से खाने पीने की तो उस पर 25% ऑफ मिलता है तो इस तरह की ऑफ़र्स वगैरह होती है डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे तो उनको देखना मत भूलिएगा तो चलो हम मौजूद हैं टेक्सास के शहर ऑस्टिन में और ऑस्टिन जो है टेक्सास का कैपिटल है ऑस्टिन से अगर आप ह्यूस्टन के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं जैसे कि ह्यूस्टन जो है यहाँ से 2.5 hours की ड्राइव है और उसके अलावा टेक्सास इस हवाले से ही मशहूर है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये बहुत ही बड़ा स्टेट है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ इसकी ये है जी ऑस्टिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट ये क्योंकि ये सिटी भी काफ़ी बड़ी है और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और शॉलट से हम डायरेक्ट यहाँ लैंड कर चुके हैं सिटी में आए और फ्रिज मैग्नेट ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे है ये नहीं है इनमें से तो अभी हम फ्रिज मैग्नेट लेने आए हुए ये सिर्फ किचन से
ये ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या देख रहे हैं कौन सा लें, इनमें से हमको एक लेंगे। रॉक इन ऑस्टिन टेक्सास, सिटी ऑफ म्यूजिक है, तो हम ये लेने जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं लगेज लेने, ये देख सकते हैं सारे लगेज यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम अपना चेक इन बैग उठाएंगे, फिर ये यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे होटल। तो यहाँ पे हम लगेज लेने आए हुए, कैसे पता क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपना लगेज वगैरह देखेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं लगेज का, हमें कैब मिल गई है, उबर करा लिया हमने, अब हम इसमें जा रहे हैं। हॉस्टल पहुँच चुके हैं, रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं।